राम राम जी, आज आप लोगों का स्वागत है दादाजी के ढाबा में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ सबका पसंदीदा चीज़। तो आप समझ गए होंगे, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, औरतों को और उससे भी ज़्यादा पसंद है, और आजकल तो बूढ़े अंकल लोग भी बहुत चाव से खा रहे हैं। तो आप नहीं समझे तो हम बता देते हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं दो तरह से गोलगप्पा घर पे एकदम आसान तरीक़ों से। जो तरीका आपको बढ़िया लगे तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और एक बार ज़रूर गोलगप्पा बना के घर पे खाइएगा। इस लॉकडाउन में सारा सामान आसान है, कोई सामान ज़्यादा बाहर का नहीं है, आप एक 19-20 सामान को कर सकते हैं और बना सकते हैं अपने घर पे। और इस रेसिपी में हम पोरो कॉम्बो बनाए हैं, कॉम्बो रेसिपी, मतलब दो तरह का गोलगप्पा ही है, मसाला साथ में पानी भी। हम सारा एक ही रेसिपी में आपके साथ शेयर किए हैं कि ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो और आसानी से मिल जाए। और गोलगप्पा तो आपको क्या बताऊँ, इतना क्रिस्पी है कि पूछिए मत। आपको दिखाता हूँ कितना क्रिस्पी है, तो कैमरामैन थोड़ा कैमरा पास लाइए, देखिए देख लीजिए। तो ज़रूर एक बार गोलगप्पा बनाइएगा और हमें हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका गोलगप्पा कैसा बना। तो चलते हैं शुरू करने, गोलगप्पा दो तरह का और मसाले के साथ पानी भी। तो जो पहला हमारा गोलगप्पा है, ये है आटा जो हम रोटी बनाते हैं, चक्की का आटा, और ये है पतला वाला सूजी, आप मोटा भी सूजी दे सकते हैं। और इसका माप है कोई भी कटोरी से, कोई भी गिलास से, कि जो भी आपके पास हो उससे आप ले लें बराबर बराबर मात्रा में। तो मैंने एक कटोरी आटा लिया है और एक कटोरी ही सूजी दिया है। तो एक कटोरी हम सूजी दे दिए हैं, इसमें दोनों बराबर देना है। तो दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, और इसमें कुछ भी हमें नहीं मिलाना है, कुछ भी नहीं मिलाना है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, गर्म पानी, कुछ भी नहीं। इसमें एक नॉर्मल पानी से हम इसको गूंध देंगे, मिला देंगे पहले, और इसको हम गूंध देंगे। तो हमें इसका लूज डो ही बनाना है, टाइट डो नहीं बनाना है, लूज डो बनाना है। तो हम इसको पहले सारे को इकट्ठा कर देते हैं। तो इसको हम लूज इस वजह से गूंधते हैं कि जो सूजी हमारा है वो बढ़िया से, एक घंटे हम रेस्ट पे रखेंगे इसको, तो बढ़िया से सूजी फूल जाएगी, और फूल जाएगी तो दोनों मैश कर जाएगा, आटा और सूजी, और तब गोलगप्पे जो हमारे बनेंगे बहुत क्रिस्प बनेंगे। तो ये देखिए हमारा, ये आपको डो मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने डो बनाया है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए एकदम बिल्कुल लूज है, ये हमें ज़्यादा देर गूंदना भी नहीं है, इसको अभी कुछ नहीं गूंदना है, गूंदना है जब ये सूजी फूल जाएगा तब। तो इसको हम रेस्ट पे रख देंगे, ये देखिए इसको हम रेस्ट पे रख देंगे। तो कोई भी आप बर्तन में ढक के बढ़िया सा रख सकते हैं, या इस तरह का कोई पन्नी दे दे जो आपके पास हो, और इसी में इसको डाल दें। तो देखो थैली को हम बांध देते हैं, बांध के इस तरह से, और इसको हम रख देंगे किसी भी बर्तन में, और एक डेढ़ घंटे के बाद इसको हम चेक करेंगे। थोड़ा ज़्यादा भी टाइम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रेस्ट पे लेकिन रखना है। अब हम आपको दिखाते हैं दूसरा, ये देखिए हम सूजी आपको जितना चाहिए तो उतना बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना एक ही बात का कि 1/3, यानी कि अगर 1 किलो सूजी दे रहे हैं तो इसमें 330 ग्राम मोयन डालना है इस सूजी में। तो अगर आप एक कटोरी दे रहे हैं तो 1/3 कटोरी रिफाइंड ऑयल डालना है, थोड़ा कम ज़्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पे इसी कटोरी के नाप से हम एक कटोरी सूजी दिए हैं, और इसी का 1/3 हम इसमें रिफाइंड डालेंगे। तो यहाँ पे तेज़ गुनगुना होना चाहिए, हल्का सा, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का गुनगुना होना चाहिए। तो देखिए तेज़ हमारा गुनगुना है, इसमें 1/3 हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल, दूसरा तेल नहीं डाला इसमें, सिर्फ रिफाइंड ऑयल डालते हैं इसमें। ये हल्का गुनगुना है, ज़्यादा गर्म नहीं डाले, अगर ज़्यादा गर्म डाले तो इसको हाथ से नहीं घुमाना है, फिर इसको चम्मच से घुमा दें अगर आप ज़्यादा गर्म डाल रहे हैं तो। अब इसमें भी हमें कुछ नहीं डालना है, और रिफाइन ऑयल डाल के इसको बस बढ़िया से मिला देना है, देख सकते हैं किस तरह से मिल गया है। और जिस कटोरी में हमने रिफाइन ऑयल दिया था उसी में हल्का सुसुम पानी दे दिया है, तब ये चम्मच से तो मिलेगा नहीं, चम्मच से एक बार मिला सकते हैं, लेकिन मिलाने के लिए फिर हाथ ही लगाना पड़ेगा, और इसको हम मिलाएंगे हाथ से। इसमें भी हमें कुछ नहीं मिलाना है, ना सोडा, ना बेकिंग सोडा, ना बेकिंग पाउडर, इसमें भी हमें कुछ नहीं मिलाना है, सोडा, मीठा सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर नहीं, कुछ भी नहीं मिलाना है, नमक भी नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है, बस इसमें ये जो पानी हम डाल रहे हैं ये हल्का सुसुम होना चाहिए। और इसका भी हम डो बनाएंगे, ये भी लूज बनाएंगे। लूज बनाने से फ़ायदा होगा कि जब हम एक घंटा इसको रेस्ट पर रखेंगे तो जो इसमें का सूजी होगा
वो बढ़िया से पानी एब्जॉर्ब कर जाएगा और एकदम मुलायम हो जाएगा। ये अभी दानेदार है तो इसको हम इस तरह से देखिए मिला देते हैं और देखिए हम कितना लूज गुने हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए देखिए हम कितना लूज गुने हैं। अगर बाई द वे आप जब बनाते हैं ये गूंदने के बाद आप जब थोड़ा सा पानी इसमें मान के चलो आपसे ज़्यादा डल गया तो इसको ऐसी रेस्ट पे छोड़ दें, जब आप इसको दोबारा मलेंगे तो उस समय आप थोड़ा सा मैदा या सूजी को हल्का सा पीस के डाल सकते हैं ताकि जल्दी आपका ये डो तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमारा लूज डो ये तैयार हो गया है, आपको दिखाते हैं कि कैसा है लूज हुआ है, बिल्कुल दानेदार है देख सकते हैं ये, और ये देखिए एकदम कितना गीला है ये देखिए। तो एक पोलोथीन दिए हैं और इसको इसी में हम डाल देते हैं, इसको भी हम एक घंटे के बाद रेस्ट से निकालेंगे और फिर आपको इसको गूंद के दिखाएंगे कि कैसे बनेगा सूजी का गोलगप्पा। ये सूजी का गोलगप्पा भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं और ये आटे का गोलगप्पा सूजी मिक्स भी शेयर करेंगे, दोनों वीडियो एक ही में हम बनाएंगे। तो इसको हम रेस्ट पर रख देते हैं, इसको ढक कर रख देते हैं और एक घंटे के बाद हम गोलगप्पा बना के आपको दिखाएंगे। पानीपुरी का मसाला बनाने के लिए हम आधा किलो आलू छोटा छोटा दे दिए हैं, यहीं पर 100 ग्राम हम मटर भिगो दिए हैं, आप चाहें तो छोले चना कुछ भी भिगो सकते हैं। तो इसी में हम डाल देंगे, एक यहाँ पतीला है हमारे पास, इसी में हम डाल देंगे। इसको हमने दो तीन पानी धो दिया है और इसको 8 घंटा हमने भिगोया था और आलू को हम बढ़िया से साफ़ कर दिए हैं, इसको भी इसी में डाल देते हैं और इसको हम इसी भगोना में ही उबालेंगे। इसमें हम पानी डाल देंगे इसके डूबने से भी ऊपर तक का, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा लगता है, कुकर में पानी कम लगता है। इसको अब ढक देते हैं और ये इधर मसाले के लिए आलू और छोले उबल रहे हैं तब तक हम, ये देखिए हम एक घंटा इनको गूंद के रख दिए हैं। ये इस पन्नी में है सूजी और आटा और इस पन्नी में सूजी गूंदा हुआ है, तो जब तक ये उबलेगा तब तक हम गोलगप्पा बेल देते हैं। तो चलिए गोलगप्पा कैसे बेलेंगे और कैसे रखेंगे वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए प्लास्टिक की बोरी है, इसको हमने फाड़ के और बड़ा बना दिया है और इसी को हम डबल कर देते हैं, ज़्यादा होगा तो इसको हम पूरा खोल लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बेलेंगे और थोड़ा सा बेल बेल के हम आपको दिखाएंगे। तो ये बोरी रख दिए और एक कपड़ा है हमारे पास, इसको हमने भिगो दिया है और पानी निचोड़ दिया है इसको ढकने के लिए, ये भी रख देते हैं। और देखिए ये हमारा है चकला और ये हमारा है बेलन, बेलने का जुगाड़। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा आटा कैसा है, ये आटा और सूजी वाला है, इसको हम पन्नी से निकाल दिए हैं, अब इसे गूंदना है हमें बढ़िया से, इसको मिलाना है। ये गूंदने के बाद थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, देखिए पहले से ये जो हमारा सूजी और आटा है वो थोड़ा सा हार्ड हुआ है क्योंकि सूजी फूल गया है, सूजी फूलने के बाद ये आटा थोड़ा हार्ड हो गया है, जो पहले गूंदा था वैसा नहीं है, उससे ये हार्ड है। तो इसको हम 3-4 मिनट तक गूंदेंगे, तो हाथों पे हल्का हल्का हम रिफाइन ऑयल लगा देंगे और इसको इस तरह से हम गूंदेंगे बढ़िया से, ये रिफाइन ऑयल है, ज़्यादा नहीं, 1-2 बूंद लगाना होता है और इसको बढ़िया से मलना होता है। इसको हम 3-4 मिनट बढ़िया से मिला दिए हैं, अब इसका हम पेंदा काट देंगे और ये 4 पेंदों को हम ऐसे ढक देंगे कपड़े से, और जो ये है इसको हम एक बर्तन में छोटा छोटा जो ही काटेंगे, इस तरह का हम पतला पतला कर देंगे और इसमें ही हम पेंदा तोड़ेंगे। तो इस हिसाब से हम पेंदा तोड़ते जाएंगे और रखते जाएंगे। तो हाथों में हल्का सा तेल लगा के और जितना हम लोई काट रखे हैं इसको इस तरह से गोल गोल कर कर के रखते जाना है। तो देखिए हम लोई बना दिए हैं और इस पर हम बेलेंगे, तो इस पर थोड़ा हल्का हल्का तेल लगा देंगे और बेलन पे भी हल्का हल्का तेल लगा देंगे और ये जो बोरी बिछा रखे हैं इसी पर हम बेल के रखेंगे। एक पेंदा देंगे और इस पर अंगूठी से दबाएंगे और इसको एकदम बराबर बेलेंगे एक बार और फिर दूसरे बार इसको घुमा देंगे इस तरह से और फिर इसको पतला हमें बेलना है, बिल्कुल देख लें एकदम पतला बेलना है और बराबर बेलना है और इस तरह से बेल बेल के हम बोरी पर रखते जाएंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी बेल देंगे। इसी तरह हम बेच बेच के रखते जाएंगे बोरी पे।
तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो ऐसा चकला बेदन तो है ही नहीं है, अब तो गोलगप्पा बनेगा नहीं। ऐसा बात नहीं है, ये घर पे जो रोटी बनाते हैं चकला बेदन पे, उस पर भी आपको बेद के हम दिखाते हैं। इसको दबाएं और इस तरह से भेजें। दिख रहे हैं आप, तो इस तरह से भी हम बेल सकते हैं। जो लोई हम काट रखे थे आटा और सूजी का, तो इतना हम बेल, जितना लोई काटे थे उतना बेल लिए हैं हम। अब इसके बाद इसको हम ढक देंगे और फिर आगे हम पेंदा काट काट के और बना के पूरा ढक देंगे, फिर आपको हम दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा छोला और आलू उबल गया है, तो इसको हम उतार देते हैं और यहीं पे हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। कभी भी गोलगप्पे आप बनाएं तो एकदम फ्रेश तेल डालें। इसको हम साफ कर देंगे। यहीं पे हम तेल डालेंगे लगभग 200 ग्राम के करीब करीब बस। इसको 10 मिनट तक हम कपड़ा से ढक रखे थे, अब कपड़ा हटा दिए हैं और एक एक करके इसमें डाल देंगे। तेल गर्म है, इसको पलट देंगे पहले वाले को। अब दूसरे वाले को पलट देंगे। अब तीसरे वाले को पलट देंगे। अब गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और इसको थोड़ा देर करारा कर देंगे। अब इसको हम निकाल देंगे। आटे और सूजी का जो मिक्स हम लिए थे गोलगप्पे के लिए, वो तो हमने बना दिया है। और जो ये सूजी हमने पन्नी में रखा था उसको बाहर निकाल दिए हैं और इसको 2-3 मिनट मल लिए हैं बढ़िया से, और इसको काट काट के इसी बर्तन में रख देंगे। इसको हमें हल्का सा गोल करना है और गोल करके इस फट्ठे पर रख देना है और फिर इसको हमें बेल देना है इस तरह से। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बेदन हमें मारना है और इसको अब थाली में रखते जाएंगे। एक और दे दिए हैं और इसको हमें बराबर बेलना होता है, ये देखिए इस तरह से। और इसको हम बेल बेल के एक थाली में रख देते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट कढ़ाई में भी डाल सकते हैं। देखिए सूजी वाला जो गोलगप्पा है उसको हम बेल दिए हैं और तेल हमारा गर्म है तो इसमें हम डालते जाएंगे। इसमें हमें कुछ करना नहीं होता है, वैसे अपने आप ऊपर आता जाएगा। और तेल इसमें ज़्यादा होता है, मतलब आटा का जो गोलगप्पा हम लोग बनाते हैं उसमें तेल कम होना चाहिए और इसमें ज़्यादा होना चाहिए। अब एक तरफ से बिल्कुल करारा हो गया है तो इसको हम पलट देंगे इसी तरह से। अब गैस का फ्लेम हम धीरे कर दिए हैं और इसको ज़्यादा देर तक हम नहीं रखेंगे क्योंकि एक तरफ से हमारा क्रिस्प हो चुका है। दोस्तों देखें आप, हमने गोलगप्पा तो बना ही दिया और आप देख के खुश भी हो गए होंगे। तो अब बना देते हैं पानी।
तो गोलगप्पे का पानी के लिए सबसे पहले हम पानी दे देंगे। तो आपको जितना गोलगप्पा बना दिए हैं उसी हिसाब से पानी डाले जितना आपको यूज में आ सके। तो इसमें हम पानी आधा लोटा डाले हैं, और पानी हम डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम इमली का पल्प बना दिए हैं, ये 5-6 बिजले के, इसको एक घंटा पहले हम भिगो रखे थे, तो इसी में से हम आधा डाल देंगे पानी के लिए। अब इसमें डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार लाल मिर्चा, क्योंकि एक तो इमली का पानी से खट्टा हो गया और लाल मिर्ची से तीखा हो गया। अब यहीं पर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। आप इसमें चाहें तो काला नमक भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम हरी मिर्च को भी पीस के डालते हैं, अदरक हरी मिर्च को पीस के, वो भी तरीका है, वो भी मैं आपको साथ कभी शेयर करूँगा। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं, और ये फटाफट जुगाड़ है। और 1 रुपये वाला जलजीरा का पैकेट इसमें हम डाल देंगे। ये हमारा इमली का पानी बन के तैयार हो गया, यानी कि गोलगप्पा का पानी बन के तैयार हो गया है। अब इसको मिक्स करके आपको हम डालते हुए दिखाएंगे। अब चलते हैं मसाला बनाने, आलू मसाला। जो हमने आलू उबाला था वही आलू है, उसको हम छील लिए हैं, और छीलने के बाद इसको हम मैश कर देंगे सबसे पहले। तो मैश ज़्यादा मोटा मोटा नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो गोलगप्पे में भरने में दिक्कत होता है। तो इसको हम मैश कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम आलू को मैश कर दिए हैं छोटा छोटा, और हम लोग को प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए देखो प्याज हम ज़्यादा काटे हैं। आपको कम प्याज पसंद हो तो कम डालें। यहाँ पे 4-5 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट दिए हैं, आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा धनिया पत्ता है, इसको भी हम मैश किया हुआ आलू में सारा हम डाल देंगे। यहाँ पे छोले जो हम आलू के साथ उबाल रखे थे, यानी कि सफ़ेद मटर, तो आपको जितना मिलाना है उतना मिला सकते हैं। तो हम इसमें से आधा मिला रहे हैं। स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्चा अपने टेस्ट के हिसाब से, और यहाँ पे जो हम इमली का पल्प बचा रखे थे आधा, वो यहीं आधा डाल देते हैं, और बाकी जो छिलका है उसको बचा देते हैं। अब यहीं पे हम 1 रुपये वाला जलजीरा डाल देते हैं। वैसे हम ये मसाले का रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और वैसे बाज़ार में आसानी से 1 रुपये मिल जाता है, तो इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। इसमें बहुत मेहनत करना है। जीरा को पहले भूनो, धनिया को भूनो, उसके बाद पीसो, उसके बाद काला नमक डालो, इसमें काली मिर्च डालो, और उसके बाद पीस के तब इसमें डालते हैं। वो चाट मसाला होता है, जलजीरा पाउडर होता है, और चाट मसाला का रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोड भी है। तो हम 1 रुपये का जलजीरा से ही काम चला देते हैं, फटाफट हम बना रहे हैं। तो इसको अब मिक्स कर देंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा टाइट है ये पेस्ट हमारा, तो इसमें से थोड़ा सा हम पानी डाल सकते हैं। इसमें मैश कर दिए हम, हमारा पानी भी तैयार हो गया, आलू का मसाला भी तैयार हो गया, और हमारा गोलगप्पे भी तैयार हो गए हैं। तो अब देरी किस बात का है, तो आप सर्व करके दिखाते हैं। तो ये देखिए हम गोलगप्पा लिए हैं, गोलगप्पा अपने पसंद से छोटा बड़ा बना सकते हैं। और इसमें से मसाला हम डालेंगे पूरा भर के एकदम मसाला। और आपको अगर मीठी चटनी पसंद हो तो यहाँ डालें, ना पसंद हो तो आप खट्टी चटनी भी डाल के खाली काम चला सकते हैं। तो इस तरह से डालें या पूरा डाल दें। ये देखिए, ये देखिए हमारा गोलगप्पा एकदम फाइनली बन के तैयार हो गया है। तो ये कितना क्रिस्पी है वो भी आपको चेक करा देता हूँ। तो और आपको हम दिखाते हैं कि कैसा गोलगप्पा बना हुआ है। तो बढ़िया क्रिस्पी बना हुआ है, और मसाला पूरा भरेंगे इसमें बहुत ज़्यादा। तो आपको इसी में हम मीठी चटनी भी डाल के दिखा रहे हैं, ये देखिए। और इसी तरह सारा हम गोलगप्पे को सर्व करके आपको दिखाएंगे जितना हमें खाना होगा, और मसाला डालेंगे बहुत ज़्यादा, तभी मज़ा आता है खाने में। आपको चटनी पसंद हो तो चटनी डालें, नहीं तो अदरवाइज ऐसे रखें, और फिर जब खाना हो तब तो आप इसमें पानी मिलाएं। तो इसी तरह हम सारा बना देंगे। तो ये तो हमारा था अभी आटा और सूजी का गोलगप्पा। अब आपको हम दिखाते हैं जो खाली सूजी का गोलगप्पा हम थोड़ा सा लेके बनाए थे, उसको आपको हम दिखाते हैं। तब सूजी का दिखाते हैं आपको, ये भी बहुत क्रिस्प बना हुआ है।
और इसको भी मसाला ज़्यादा लगाएंगे ऐसे। और आपको मीठी चटनी पसंद हो तो मीठी चटनी भी डालें, और नहीं पसंद हो तो आप पानी डाल दें। पानी डालें जब ही जब आपको खाना हो। तो सब पे हम मीठी चटनी डाल देते हैं, सारे गोलगप्पे पे हम मीठी चटनी डाल देते हैं। अगर आपको मीठी चटनी पसंद हो तो डालें, नहीं तो आप सीधा गोलगप्पे के पानी में। तो अब किस बात की है देरी, इसको डुबाना है अब पानी में और फिर खा लेना है। तो देखिए हम दोनों गोलगप्पा पानी और आलू का मसाला बना के तैयार कर दिए हैं और खा के भी आपको दिखाए हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे तरीके से ज़रूर गोलगप्पा बनाएं, आपका पक्का ही गोलगप्पा बनेगा। और हमें फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें, और हमें कौन कौन सी रेसिपी आपके लिए बनानी है हमें वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और आपका पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सारा प्यार देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।